हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। ये देखिए, इसका अभी सुबह नहीं हुआ है और मेरा सुबह हो गया। इतना ठंडा है ना कि कंबल से निकलने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है। और ये जग करके और ब्रश करके और ये फिर से सो गई है। लेकिन मैं तो उठूंगी क्योंकि मुझे बहुत सारा काम है घर का, तो मुझे तो बहुत सारा काम करना है, तो मुझे तो उठना ही पड़ेगा। ये थोड़ा देर और सोएगी और इसका क्लास भी नहीं है आज। आज क्लास का लिंक नहीं आया है ना? अभी इसका ऑनलाइन क्लास हो रहा है, घर से ही हो रहा है क्योंकि ठंडा ज़्यादा है ना, तो छुट्टी दे दिया है, तो घर से सारा क्लास हो रहा है। तो आज तो कोई लिंक आया नहीं है, तो अभी ये थोड़ा सोच रही है थोड़ा और सो ले। तो चलिए इसको सोने देते हैं और हम तो चलते हैं किचन में, क्योंकि मेरे को बहुत सारा काम है, सुबह सुबह का सारा काम अभी बाकी है। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए, करते हैं काम को और मिलते हैं। और गाइस, ये देखिए, हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, नाश्ता बन के रेडी हो गया और हम और मीठी एक ही प्लेट में खा रहे हैं आज। कैसा बनाया मीठी सब्जी? अच्छा बनाया। अच्छा बनाया। अभी कैसा बनाया? मस्त मस्त चटपटा सब्जी। चटपटा बनाया ना, एक रोटी मीठी का, एक रोटी मेरा। तुम लोग करे नाश्ता। आज ना मैं आलू फूल गोभी मटर की सब्जी बनाई हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गया था, सोची कि थोड़ा अच्छा सब्जी बनाती हूँ। सब्जी चावल बनाऊंगी, दाल नहीं बनाई हूँ, तो यही तो हम लोग अभी खा रहे हैं। तो चलिए खाते। और ये देखिए, हमारी मिट्टी खा रही है पिज्जा। पिज्जा, और गेस कीजिए पिज्जा कैसे बनाए। वहाँ पर मैं जाने जाकर देख लीजिएगा। और मैं ना ये पिज्जा रोटी से बनाई हूँ। पीछे दिखा, मिट्टी रोटी से बनाई हूँ, जो रात का रोटी बच गया था ना, उससे मैं ये पिज्ज़ा बनाई हूँ। दिख रहा ना, बिल्कुल एकदम असली पिज्ज़ा, डोमिनोज वाला। कैसा बनाया मिट्टी पिज्ज़ा? अच्छा बनाया। अच्छा बनाया, टेस्टी। देखिए, वाह, बहुत अच्छा बनाया। ये जो रात का रोटी बच गया था ना, मैं उससे ये पिज्ज़ा बनाई हूँ। चलिए, मीठी तो इंजॉय कर रही है, पिज्ज़ा आप लोग देख के ही इंजॉय कीजिए, क्योंकि आप लोग को तो खाने ये नहीं मिलेगा अभी, तो आप लोग देख के इंजॉय कीजिए। तो हम लोग खाते हैं पिज्ज़ा को, देखते हैं कैसा बना है। तो गाइस, अभी दोपहर का बज चुका है 2, और देखिए हम लोग नहा धोवा के बिल्कुल रेडी हैं, और अभी लंच नहीं किए हैं क्योंकि लंच तो अभी बनाना है। और ये लड़की को देखिए, इतना दिन हो गया नहाए हुए और फिर भी नहीं नहाती है। ठंडा में तो इसका एकदम ऐसे, अभी क्लास करके उठी है और अभी नहाएगी भी नहीं, आज भी नहीं नहाएगी बोल रही है, तो क्या कर सकते हैं। चलो, इसका सर में तेल लगा देते हैं, बहुत दिन हो गया है तो लगाएंगे इसके सर में तेल। मीठी पकड़, हम लोग आ रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। गाइस, अभी ना हो गया ट्यूशन पढ़ाना और बच्चे लोग चले गए हैं और सोफा भी हो गया है खाली। और ये देखिए, ये लोग का पढ़ाई के बाद ना पूरा होता है मस्ती। है तुम लोग क्या कर रही है दोनों? फोन क्यों पकड़ी है? फोन नहीं चलाना, चलो फोन दो, चलो एक सेकंड फोन दो। और ये लोग इतना पढ़ने के बाद, थोड़ा एक घंटा पढ़ेगी और फोन में इतना बिजी हो जाएगी, ऐसा लगेगा कितना ही पढ़ लिया। अरे पूरा भी मस्ती करेगी, क्योंकि पढ़ के उठी है ना, तो थोड़ा देर सुनेगी नहीं, जो मन में आएगा वो 5-10 मिनट करेगी, उसके बाद पढ़ेगी। तो बस अभी हो गया है नाश्ता का टाइम। अब मीठी को हम देंगे दूध, चलेंगे अपना किचन में, किचन का भी लाइट बंद है,
और दूध आ गया है मेरा यहाँ पे, अभी गर्म करना है दूध को। आज बहुत लेट से दूध लाई, दूध लाने का ना इसका कुछ टाइम ही नहीं होता है, कभी भी लेके आ जाती है दूध। तो चलिए जाते हैं दूध गर्म करने, दूध गर्म करते हैं फिर बेटी को देंगे दूध। किस बात पे इतना हंसी आ रहा है तुम लोगों को? अरे इधर आना मिठी, इधर आओ। तो गाइस अभी ना रात हो गया, रात का बज गया है 9:30 और मेरा खाना भी बन के रेडी है, तो मैं जा रही हूँ खाना निकालने। बाबा दादी को खाना दे दो, निकाल दे लेते क्या जाओ। तुम खाना नहीं खाओगी? नहीं मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरा पेट पूरा भरा हुआ है। तुम नहीं खाओगी ना तो खाना बाबा दादी को दे के आ जाओ। थाली निकालो जरा, थाली मैं निकाल लेती हूँ। मैं निकाल ली, कौन सी निकाल? निकालो थाली बिठाएगा बैठा लिया, हाइट लंबा है मेरा लंबा। रुको और यहाँ से गिनो। तो मैं खाना निकालू? लो निकालो, आता है निकालने। हाँ कैसा खा लिया? रुको रुको रुको, पहले रोटी निकालो, तुम रोटी निकालो। कितना? 3 रोटी बाबा में, 3 रोटी दादी में। 3 दादी खा ली? खा ली। तो आज मीठी निकाल रही है खाना पहली बार। पहली बार नहीं, बहुत बार निकाले हैं। बहुत बार निकाली है? कब निकाली थी याद करो? कब? जब तब और कभी नहीं निकालती है। निकाल उसमें 4 रोटी पापा के लिए, एक दो। और गाइस अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर देना, क्योंकि आज खाना निकाल रही है मीठी। और क्या सब्जी क्या बना है, सब्जी तो दिखाओ। सब्जी कौन बनाया है वही पूछ रहा है। बीन्स, बीन्स का भुजिया, बीन्स का सब्जी बना है। आप अपने 10 रोटीज को डेकोरेट करना चाहते हैं? टिप्स लीजिए अनन्या क्लासेस कुकिंग शेफ। कुकिंग सेफ, खाना मैं बनाऊं और कुकिंग सेफ है अनन्या कुमारी। वाह 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 वाह, क्या बात है। क्योंकि किसी भी इंसान का रास्ता पेट से होके गुजरता है। रास्ता पेट से नहीं, दिल से होके गुजरता है। नहीं ये तो पूरा क्या बोलेंगे, कहावत को ही गलत कर दी। पेट से होके गुजरता है ना, दिल से होके गुजरता है। तो चलिए अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। आज मीठी परोस रही है, लेकिन सब्जी भी दे रही है। वाह हो गया, वाह। और दो और दो, बहुत है, हम इतना ही खाते हैं बस। तो चलिए अब हम लोग खाना खाएंगे और खा पी के सो जाएंगे, क्योंकि ठंड इतना ज्यादा है ना कि लग रहा है कि कब जल्दी से कंबल में घुस जाए। कुत्ता, तो हम लोग जा रहे हैं अब खाएंगे। और टॉमी भी आ गया है, टॉमी आके भो भो करे, क्या हुआ टॉमी? मैं चलेगा देखो ना। हाँ चलेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।